नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह के जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। और यकीन मानिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी इस तरह के समीकरण हल करने वाली वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल लिए हुए हैं जिनमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे ताकि आपको कहीं पर भी गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए, यहां पर मैंने सवाल लिखा हुआ है 3x-4, इसके बाद कोष्टक है 64-x और बराबर में 10 लिखा हुआ है। इसको हम हल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें सीखने की जरूरत है। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाता हूं ताकि आप इस तरह के सवाल में गलती ना करें, फिर इसके बाद में हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमें संख्या दी गई है, जैसे कि 3x = 5, ठीक है। तो यहां पर इस 3 का हम पक्षांतर करेंगे, तो देखिए ये यहां पर क्या है, x के साथ में गुणा में है। तो जब भी कोई संख्या गुणा में होगी, जब हम इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे, तो ये गुणा वाली संख्या यहां पर क्या आएगी, भाग में आ जाएगी। मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 5 तो यहां पर पहले से था, और ये 3 जो है इसके भाग में आ जाएगी, यानी बटे में, तो यहां पर हो जाएगा 3। तो जब भी गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होगा तो संख्या उस तरफ जाकर क्या में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे कि x+5 है और बराबर में 0 है, ठीक है। तो जब इस 5 का पक्षांतर करेंगे, मतलब 5 को उस तरफ ले जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बराबर जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -5। इसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए x-5 है और उस 5 को हमें उस तरफ ले जाना है, तो यहां पर प्लस है, सॉरी माइनस है, तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा x = 5, ठीक है। तो जब भी आप पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर कोई संख्या भाग में है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर दिया गया है 1/5 और बराबर एक्स, तो आपको यहां पर जो 5 है इसको आप उधर ले जाएंगे, तो ये क्या में हो जाएगा, 1 बराबर ये 5 यहां पर भाग में है, इस तरफ जाकर गुणा में हो जाएगा, तो x और ये 5 इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर इसके बाद में आप समीकरण में कोई भी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा जो समीकरण है इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए क्या है, 3x, तो हमने लिख दिया 3x, ठीक है। फिर इसके बाद में है -4। अब इसके बाद में है क्या, कोष्टक के अंदर संख्या, तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 64-x और बराबर में 10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे कोष्टक के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारा 3x-4 का मल्टीप्लाई करिए, तो 4 × 16, 16 × 6 हाँ से लग जाएगा 1, 4 × 24 और कितना हो जाएगा 25, तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 25, यानी कि 256 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 का हमें x में करना है, तो माइनस का, यहां पर माइनस का क्या है 4 है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 4x, ठीक है, और बराबर का आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। तो देखिए जब भी माइनस माइनस वाली संख्याएं इनटू होती हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, 3x, अब हमें क्या करना है, जहां जहां पर x हमें दिख रहा है उस संख्या को एक जगह पर लिख लेना है। देखिए यहां पर है x, 3x, और यहां पर है x, ठीक है। तो यहां पर 3x है, तो ये हो गया 3x, और यहां पर प्लस का क्या है, 4x है, तो प्लस का 4x हो गया, ठीक है। अब यहां पर जो 256 है इसमें x नहीं है, तो इस संख्या को हम उस तरफ कर देते हैं, मतलब xx वाली संख्या को एक तरफ, विदाउट x वाली संख्या को एक तरफ, ठीक है। तो xx वाली हमने एक तरफ कर ली, अब हम उस तरफ वाली संख्या, यहां पर 10 तो पहले से है, और 256 को उस तरफ भेज देते हैं, तो 256 यहां पर माइनस का है, उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 256 आ जाएगा, क्लियर। चलो अब क्या करना है, इनको जोड़ लो, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7x, ठीक। अब यहां पर क्या है, बराबर इनको जोड़ दीजिए, तो यहां पर देखिए 56 और 10 कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 266, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर देखिए, अब 7 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये है हमारा x, ठीक है। 7 को नीचे ले जाइए, क्योंकि यहां पर ये गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये है हमारा 266 और बटे में आ जाएगा 7, ठीक है।
तो अब हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 266 बटे 7। ठीक है, अब 7 से भाग लगा दो तो 7 एकम 7, यहां पर देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28। ठीक है, तो 7 या 21, ठीक है, अब यहां पर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, तो 7 8 56, यहां पर 56 हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझिए इसको, देखिए यहां पर क्या है 26, तो हम क्या करेंगे, 7 कितनी बार पहाड़ा पड़े कि 26 आ जाए या 26 से कम आए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौके 28, तो 28 ज्यादा हो रहा है, तो हम 7 या 21 तीन बार करेंगे तो कितने बचेंगे 5, तो यहां पर कितना हो जाएगा 56, यहां पर 56 हो गया, तो 7 8 56 8 बार। ठीक है, तो x बराबर हमारा आ गया 38, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है 38 आ गई है। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने कर लिया, एक बार और समझिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई इसमें किया, ठीक है, तो यहां पर देखिए 3x पहले से है, इसके बाद में माइनस 4 का मल्टीप्लाई 64 में किया तो कितना आ गया 256, फिर माइनस और माइनस हो गया प्लस 4x, ठीक है, और बराबर का 10। अब हमने क्या किया, x x वालों को एक तरफ किया, 3x प्लस 4 4x हो गया, ठीक है, इसके बाद में बराबर 10, तो यहां पर पहले से था और 256 को इस तरफ ले गए तो ये प्लस का हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 266। अब जो 7 है यहां पर, 4 और 3 कितने हो गए 7x, तो 7x है, तो अब हमने इस 7 का पक्षांतर किया तो यहां पर ये काय में आ जाएगा, यहां पर गुणा में है तो यहां पर आ गया भाग में। अब हमने 7 से इसमें भाग लगाया तो कितनी बार गया 38 बार, तो x बराबर 38 आ गया, और यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए अगले सवाल को करते हैं, अगला जो सवाल है ये काफी आसान है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है 1/3, इसके बाद में है माइनस x बराबर माइनस का 2/3, ठीक है, तो हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे x को एक साइड कर देंगे, बाकी संख्याओं को एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या है माइनस का 2/3 है, तो इसको हम क्या करते हैं इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है 1/3, ठीक है, और इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2/3, और यहां पर जो माइनस का एक्स है इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या किया एक्स को इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 में कितनी बार जाएगा एक बार, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, प्लस यहां पर 3 एकम 3, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, मतलब 2 प्लस 1 प्लस 2 आ गया। ठीक है, और बराबर का आ गया हमारा x। ठीक, तो यहां पर देखिए 2 रेक कितना हो गया 3, और बटे में भी कितना है 3, और बराबर में क्या है x। ठीक है, तो यहां पर 3 से 3 कट गया, कितना आया 1 आया। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आ गया है 1 आ गया है, और यही क्या है हमारा आंसर निकल करके आ गया है। तो देखिए कितना आसान है, यहां पर अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं यहां पर आप कैसे कर सकते हैं। जैसे 1/3 है प्लस 2/3 है और बराबर का x है। ठीक है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने नीचे की संख्या बराबर हो तो आपको क्या करना है, नीचे की संख्या को एक बार लिख देना है और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देना है, तो 1 प्लस 2 कर दिया और बराबर में आ गया x। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और बटे में क्या है 3, तो बराबर में आ गया x। अब 3 से 3 कट गया, कितनी बार में एक बार में, तो यहां पर आ गया हमारा x बराबर 1, और यही हमारा क्या है आंसर है। यहां पर भी हमारा वही आया था, तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला जो सवाल है ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर क्या है देखिए x प्लस, इसके बाद में है x प्लस 2, फिर इसके बाद में है प्लस x प्लस 4, ठीक है, बराबर का है 156। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके कोष्टक को हमें क्या करना है हटाना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या है x, ठीक है, तो यहां पर माइनस होता तो माइनस का गुणा है, अब प्लस का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस का x और प्लस का 2। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस x, ठीक है, और प्लस का 4, और बराबर कितना है 156। ठीक है, अब जितनी भी जगह पर x है उस x को हम एक जगह पर कर लेंगे, तो x कहां कहां पर है 1, 2, 3, तीन जगह पर x है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1x 2x और 3x, तो कितना हो गया 3x। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पर क्या है प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, ठीक है, ये 2 और ये 4, और बराबर में कितना है 156 है। ठीक है,
अब 3x को तो हम यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, प्लस 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और बराबर यहां पर कितना आ जाएगा 156, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स एक्स वाली संख्या को एक तरफ, बाकी संख्या को एक तरफ, तो चलिए करते हैं, 3x को तो यहीं पर रहने दो, 6 को उस तरफ ले जाएंगे, तो बराबर में देखिए 156 तो यहां पर पहले से ही है, ठीक है। अब 6 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि इधर क्या है प्लस का 6 है, उस तरफ ले जाएंगे माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3x बराबर 156 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 150 बचेंगे। अब यहां पर जो 3 है ये काय में है, गुणा में है, तो इस तरफ जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 3 को नीचे ले जाइए तो 150 बटे 3, अब 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पांच 15 और ये 0, तो कितना आ गया 50 आ गया, तो हमारा यहां पर आ गया है 50, और x की वैल्यू आ गई है हमारी x बराबर 50। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो देखिए हमारा सवाल ये है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कोष्टक को हटा दिया, तो यहां पर देखिए ये एक्स था, फिर यहां पर x प्लस 2 हो गया, फिर प्लस, फिर x प्लस 4 था, x प्लस 4 हो गया और बराबर 156। अब हमने क्या किया, x x x तीनों x को जोड़ के लिख दिया, ये हो गया 3x, ठीक है, ये हो गया 3x, फिर इसके बाद में क्या बचा 2 और 4, तो 2 और 4 हमने ये लिख दिया, फिर यहां पर 156 है, फिर इसके बाद में 3x, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 4 और 2 6, ठीक है। इसके बाद में क्या है, 156 इधर पहले से है, फिर यहां पर है 3x, अब जो 6 था इसको हमने उस तरफ भेज दिया, ठीक है, तो ये प्लस का है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। अब हमने 156 में से 6 को घटा दिया तो कितने बचे 150 बचे, ठीक है। अब 3x बराबर आ गया 150, तो 3 को हमने नीचे भेज दिया, अब 3 से हमने काटा तो कितना आ गया 50, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 50, और यही जो है हमारा क्या है आंसर निकल कर आ गया। तो समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिए और भी आसान है, आपको क्या करना है, देखिए 3x तो यहां पर दिया हुआ है, माइनस का 4 है, बराबर में क्या है 2x है और प्लस का 1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, x x वाली संख्याओं को एक तरफ और विदाउट x वाली संख्या को एक तरफ, ठीक है। तो 3x यहां पर पहले से है तो ये हो गया 3x, अब यहां पर जो 2x है ये प्लस का है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, बराबर। अब यहां पर देखिए प्लस का 1 पहले से है तो ये तो हो गया 1, अब यहां पर माइनस का 4 है, इसको उस तरफ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 4। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 3x में से 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है, 3x में से 2x चले गए, 1x बचेगा, तो ये 1x हमने लिख दिया, बराबर 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो यहां पर देखिए हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई है x बराबर 5, और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखिए हमने 4 सवाल किए हैं, चारों ही सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, यहां पर देखिए ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हमें क्या करना है, पहले x की वैल्यू निकालना है, फिर x की वैल्यू निकालकर यहां पर रखना है, फिर हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहां पर दिया गया है कि 5x/3-4 बराबर 2x/5 है, तो 2x-7 का जो मान है वो क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो देखिए क्या है 5x/3-4 बराबर 2x/5, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन संख्याओं में x है उनको एक तरफ ले आते हैं, विदाउट x वाली संख्या को एक तरफ कर देते हैं। तो चलिए यहां पर आ जाएगा हमारा, यहां पर आ जाएगा हमारा कितना 5x/3, और इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x/5 और बराबर में ये जो 4 है उसको उस तरफ कर देते हैं, तो ये माइनस का 4 है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, देखिए यहां पर 3 है और यहां पर 5 है, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, ठीक है। अब 3 से 15 में भाग लगाइए कितनी बार जाएगा, 5 × 15 = 5 बार, और 5 का मल्टीप्लाई 5 में करिए कितना हो जाएगा 25x, ठीक है। जैसे हम भिन्न को हल करते हैं हम वैसे यहां पर हल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 25x माइनस 5 से भाग लगाइए 15 में कितनी बार जाएगा, 5 × 3 = 15 = 3 आया, 3 का गुणा 2 में कर दो, 3 दोनों कितना हो जाएगा 6x,
और बराबर का कितना आ जाएगा 4। क्लियर। चलो और आगे करते हैं। इसके बाद में देखिए 25x में से 6x चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहां पर बचेंगे 19x। ठीक है, तो ये हो गया 19x और बटे में क्या है 15। ठीक, इसके बाद में बराबर का है हमारा 4। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 19x बटे 15। ठीक है, और बराबर में कितना है 4 है, तो 15 का गुणा 4 में हो जाएगा, यहां पर भाग में है यहां पर गुणा में चला जाएगा, तो 19x बराबर 15 चौके 60। ठीक है, 60 हो गया। अब 19 को यहां पर हम ये गुणा में है यहां पर जाएगा भाग में आ जाएगा, तो x बराबर यहां पर कितना आ जाएगा 60/19। तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई है 60/19 आ गई है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, देखो यहां पर क्या है, देखिए 5x/3-4। ठीक है, इसके बाद में 2x/5 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो एक्स एक्स वाली संख्याएं थी उनको एक तरफ कर लिया, यानी 5x/3-2x/5। ठीक है, और बराबर का 4, हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला तो कितना आया 15। ठीक है, अब 3 से हमने 15 में भाग लगाया, कितनी बार गया 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 15 में किया कितना आया 25x। ठीक है, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25x माइनस यहां पर 5 से हमने भाग लगाया 15 में कितनी बार गया 3 बार। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6x हो गया बराबर का 4। ठीक है, और बटे में 15 है, तो अब देखिए 25-6 करेंगे तो 15, देखिए यहां पर 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेंगे। ठीक है, और 1 का 1 आ जाएगा 19x/15 और बराबर में 4। ठीक है, तो 15 का इधर हमने गुणा किया, 15 चौके कितना हो जाएगा 60, तो 19x/60, तो x बराबर 60/19 हो गया। अब इस x की वैल्यू हमें रखना है इसमें। ठीक है, और हमें यह बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं यहां पर, तो क्या है देखिए 2 और x की वैल्यू क्या आई है 60/19। ठीक है, और माइनस का 7, ये हमें बताना है कि अब इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 60 दुनी कितना हो जाएगा 120/19-7। अब हमें क्या करना है, इस 19 का गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 120 माइनस 19 का गुणा 7 में करिए कितना हो जाएगा 9 7 63 की 3 6। ठीक है, और 7 × 7 × 6 कितने हो जाएंगे 7 × 6 13। ठीक है, तो यहां पर आ गया 133 और बटे में आ जाएगा हमारा यहां पर कितना 19। ठीक है, अब 133 में से 120 को घटाइए, तो यहां पर घटाएंगे तो देखिए 3 का 3 आएगा। ठीक है, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 13 बचे, तो यहां पर कितना बचा माइनस का 13/19 और यही हमारा क्या हो गया है आंसर, माइनस का 13/19। ठीक है, तो ये समझ में आ ही गया होगा, अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा लास्ट सवाल और इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इसको हमें क्या करना है, इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है देखिए 2x-3/4x+5=1/3। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है इसका यहां पर और इसका यहां पर। ठीक है, चलो तो करते हैं, तो यहां पर देखिए 3 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 6x। ठीक है, माइनस 3 × 9। ठीक है, बराबर 1 का इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x+5, यही आएगा। ठीक है, अब हमारा ये सवाल देखिए नॉर्मल बन गया, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे होगा देखो, एक्स एक्स वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 6x, 4x यहां पर प्लस का है इस तरफ लाएंगे, माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, बराबर, अब देखिए यहां पर 5 पहले से है तो ये हो गया 5, अब यहां पर माइनस का 9 है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं प्लस का 9। ठीक है, अब देखो 6x में से 4x चले जाएंगे, कितने बचेंगे 2x बचेंगे, और बराबर में यहां पर देखिए 5 और 9 कितने हो जाएंगे 9 और 5 14, तो ये हो गया हमारा 14। अब 2 यहां पर गुणा में है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये यहां पर काय में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/2। अब 2 से काट दो, 2 × 2 = 2, 2 × 7 = 14, तो हमारी यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई है 7। ठीक है, तो यहां पर हमारा x का मान आ गया है 7
और यही जो है हमारा क्या है आंसर निकल कर के आ गया है। तो आई होप आपको सभी सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको इसका आंसर बताना है कि 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 माइनस 5। इसका आंसर आपको क्या बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।